Good morning, dear students. Welcome to my class. And our topic test is running. And today we start a new test. It's named past indefinite tense or simple past tense, which is the first part of past tense. In this tense, some actions, regular actions, incidents, and all habitual actions that occurred in the past. Okay, this tense is to show the time of past. जो भी हमारी actions हैं, जो भी हमारी regular actions हैं, regular action मतलब ऐसे word जो daily करते थे, पास्ट टाइम में जो वर्क हम रोज किया करते थे वो अपने डेली जो एक्शंस थे उसमें आ गए। हैबिचुअल एक्शंस, हैबिचुअल एक्शन में अपन बात करते हैं ऐसे वर्क की जो हमारी हैबिट में थे पास्ट टाइम में। जैसे मान लो आपने जो घर में ग्रैंड फादर है वो अपने से कहते हैं कि जब मैं बचपन में छोटा था तो मैं रोज फुटबॉल खेला करता था या मैं रोजाना पार्क में घूमने जाता था, तो वो अभी प्रेजेंट टाइम में वो नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो प्रीवियस टाइम की बात करें, चाइल्डहुड की बात करें उनके, तो उस समय वो जो भी वर्क था वो उनकी हैबिट थी। हैबिट मीन्स वो वर्क रोजाना किया करते थे। तो इस पास्ट टेंस में अपन ऐसे ही एक्शन या ऐसे ही वर्क की बात करने वाले हैं जो किसी नाउन के द्वारा, किसी भी पर्सन के द्वारा पास्ट टाइम में किया जाता था, जो प्रेजेंट टाइम में अभी उसके द्वारा नहीं किया जा रहा। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इसी को सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शन, इंसिडेंट, रेगुलर एक्शन एंड हैबिटुअल एक्शन दैट ऑक्यूर इन द पास्ट। ओके, ये आपको भी बता दिया गया कि जो भी एक्शन है, जो भी इंसिडेंट है, मतलब ऐसे जो भी घटनाएं हैं, जो भी वर्क है, रेगुलर एक्शन है या कोई भी अपने हैबिटुअल एक्शन है जो कि ऑक्यूर इन द पास्ट, वो सारे ऑक्यूर कब थी? पास्ट में थी। वो सारे एक्शन हमारे द्वारा पास्ट टाइम में किए जाते थे, ऐसे सभी एक्शंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस या मैं सिंपल पास्ट टेंस में इनको इंक्लूड किया जाता है। अब अपन स्टार्ट करते हैं उनकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में अपन बात करते हैं सबसे पहले, स्टार्टिंग से अपन ये करते आ रहे हैं कि सबसे पहले हम जो भी अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, जो हिंदी लैंग्वेज है, उसमें अपन जो भी बात करते हैं उसमें अपने को कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है या नहीं है। तो जैसे अपने प्रेजेंट टेंस के वो फोर पार्ट पढ़े थे, उसमें भी अपन ये जाना था कि उन सब में हिंदी में कुछ ना कुछ सेंटेंस में टाइम को शो करने के लिए आइडेंटिटी वर्ड के रूप में कुछ ना कुछ अपन ने उसमें पाया था। वैसे ही जो अपना आज का जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें भी हिंदी जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी आईटी के लिए कुछ हिंट्स होते हैं, जैसे इन हिंदी इसमें लास्ट में ताता थी थी ते ते या ये ई या हम कहें अथवा जो भी क्रिया शब्द होते हैं उनके अंत में आ ए या ई की मात्रा होती है, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस है उनके लास्ट में ताता ती ती ते ते या उनके लास्ट में या ये ई अथवा जो भी एक्शन वर्ड है इंग्लिश में
जाना है, खाना है, पीना है, रोना सोना, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है उनके लास्ट में आ, ए और ई की मात्रा लगी होती है। तो वो सारे सेंटेंसेस है वो अपने इस पास्ट डेफिनेट टेंस में इंक्लूड किए जाते हैं। अब अपन इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसा सेंटेंस होगा, उसका एग्जांपल लेके देखते हैं। मतलब शेर जंगल में रहता था, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस हो गया भाई। सेकंड, बिजली गई। थर्ड, वह जयपुर गया। और मम्मी ने खाना पकाया। ये अपन कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, तो उसमें अपन जब क्या देखेंगे इसके एंड में क्या है, ताका, इसके एंड में क्या है ई, इसके एंड में क्या है या, इसके एंड में क्या है या। देखो एक बोल लेते हैं, पिताजी दफ्तर गए, उसके लास्ट में क्या है ये। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस के एंड में अपने को ऐसा मिल रहा है, तो वो सारे के सारे जो भी सेंटेंसेस है और उनमें जितना भी वर्क हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है, वो सारा किस टाइप को शो कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो भी वर्ड्स होते हैं हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में देखने को मिलते हैं, वो सब हमें ये इंडिकेट करेंगे कि वो सेंटेंसेस सारे किसके हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब हम बात करते हैं हमने इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें यदि सेंटेंसेस दिए हुए हो तो उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है या नहीं है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें भी कुछ टाइम एडवर्बियल्स होते हैं। टाइम एडवर्बियल्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो टाइम को शो करते हैं, उस टाइम में जो भी वर्क हो रहा है उस वर्क के होने का टाइम शो करने के लिए कुछ वर्ड्स सेंटेंस में इंक्लूड किए जाते हैं जो हमें ये शो करेंगे कि वो कौन सा टाइम में वो वर्क हुआ है। तो हम देखते हैं फॉलोइंग टाइम एडवर्बियल्स आर यूज्ड इन दिस टेंस। इस टेंस में कुछ टाइम एडवर्बियल्स है, टाइम को शो करने वाले वर्ड्स हैं जो इसमें काम में आएंगे। कौन कौन से, देखो एक तो जो भी टाइम वर्ड के पहले लास्ट लिखा हो, जैसे लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इस प्रकार से किसी भी टाइम वर्ड के दस पहले यदि लास्ट लिखा हो तो वो पास्ट टाइम को शो करता है। इसके अलावा यस्टरडे, वंस, समटाइम्स, अगो, प्रीवियस डे, इस प्रकार के जो वर्ड है यस्टरडे है, वंस है, समटाइम्स है, प्रीवियस डे है, ये वर्ड किसको शो करते हैं,
सेंटेंस की स्ट्रक्चर है जिसके अकॉर्डिंग अपन सभी सेंटेंसेस
जोर से दहाड़ा। ओके, तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो देखो इसके पास जो है वो दहाड़ा आर की मात्रा लगेगी और आर की मात्रा किसको शो करेगी, पास्ट इंडेफिनिटिव टेंस। तो इसको अपन लोग ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। आप आओगे कि दहाड़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, शेर के द्वारा। तो हमारा शेर क्या हो गया, सब्जेक्ट। हम लिखेंगे द लायन। अब सेकेंड वर्ग है वर्ग, कि उसने क्या वर्ग किया, वर्ग किया दहाड़ने का, और दहाड़ने क्या बोलते हैं, रोअर। हम लिखेंगे रोअर। अब ये रोअर क्या है, रोअर की सेकंड फॉर्म, क्योंकि हमें इस सेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, इसलिए मैंने वहां रोअर की सेकंड फॉर्म रोअर कर दी। लास्ट क्या रह गया, कि वह कैसे दहाड़ा, जोर से। तो जोर से के लिए हम क्या यूज करेंगे, लाउडली। तो ये हो जाएगा द लोए रोअर लाउड। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं 2006 में सीकर में रहता था। ओके, अब देखो इसके लास्ट में क्या है, रहता था, ता। तो ताता भी किसको आइडेंटिफाई करता था, पास्ट इंडेफिनिटिव टेंस को। तो उसके अकॉर्डिंग अपने इसको बनाते हैं। देखो सबसे पहले हमें किसको यूज करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, क्योंकि सिक्कर में रहने का काम कौन करता था, मैं करता था, काम करने वाला मैं था। तो अब सब्जेक्ट हो गया मैं, तो मैं के लिए अपन यूज करेंगे आई। सेकंड वर्ब, कि वो वर्ब क्या करता था, वर्क करता था और रहने का, और रहने को क्या बोलते हैं, लिव। और लिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव। आई लिव, मैं रहता था, कहाँ रहता था, सीकर में। तो अपन यहां लिखेंगे इन सीकर। और क्या रह गया, कब रहता था, 2006 में। तो यहां ये लिख देंगे इन 2006। अब ऐसा ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई लिव इन सीकर 2006। थर्ड एग्जांपल देखो, मेरी मम्मी ने खाना पकाया। ठीक है, मेरी मम्मी ने खाना पकाया। अब इसके एंडिंग में क्या आया है, या। तो लास्ट में या वर्ड जो या ले आ रहा है, इसमें आर की मात्रा लगी हुई है, वो भी किसको शो कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिटिव टेंस को। तो अपन इसको पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है ना, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि अफर्मेटिव है, इसलिए इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। खाना किसने पकाया, मेरी मम्मी ने। किसने पकाया, मेरी मम्मी ने। मेरी मम्मी ने क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया। इसके लिए अपन ऐड करेंगे माय मदर, माय मम्मी भी लिख सकते हो, माय मदर। क्या काम किया उन्होंने, पकाया। पकाने को क्या बोलते हैं, कुक। और कुक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कुक। यही लग जाएगा उन्होंने आगे। तो ये कुक हो गया, माय मदर कुक, मेरी मम्मी ने पकाया। क्या पकाया, सॉरी, खाना पकाया। तो खाने के लिए फूड। इस प्रकार से अपना ये ट्रांसलेट हो जाएगा, मेरी मम्मी ने खाना पकाया, माय मदर कुक। इस प्रकार से जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। सेकंड जो अपना टाइप आता है वो आता है नेगेटिव। सेकंड टाइप कौन सा आता है,
नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि पास्ट टाइम में किसी व्यक्ति के द्वारा वो काम नहीं किया गया, उसको शो करने के लिए इसमें नॉट का यूज किया जाएगा। उसमें अपन देखते हैं, जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई एडिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन हमने जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया तो वहां पर हमने डू नॉट और डज नॉट का यूज किया था। नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का यूज किया था। वैसे यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई एडिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसका, तो उसमें हमें डिड नॉट का यूज करना है। इसका यूज करना है डिड नॉट का, वो डिड प्लस नॉट इज did not plus verb की first form is used in the negative sentence, okay? कि past indefinite tense का जो negative sentence होता है, उसमें did not का use किया जाता है, और जैसे हम did not का use करेंगे, जो भी verb है, उसकी first form का use किया जाएगा। अब यहाँ second form का use नहीं करेंगे। अफर्मेटिव में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना ही नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो नेगेटिव में देखो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इस बार कि सब्जेक्ट के ठीक बाद में हमें को हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो यहां आ जाएगा आपका did not plus verb की first form, object और अगर जो भी चीज दी हुई है वो सब आगे ऐड करनी है। और नेगेटिव में क्लास में क्या होता है, फुल स्टॉप। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों क्लास में क्या आता है, फुल स्टॉप आना है। अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, बच्चों ने दूध नहीं पिया, मालिक ने पेड़ों में पानी नहीं दिया, वह किताबें नहीं पढ़ता था। तो ये थ्री सेंटेंसेस है जो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है, जिनमें बच्चों के द्वारा दूध पीने का जो काम है वो नहीं किया गया, मालिक के द्वारा पेड़ों को पानी देने का जो काम था वो नहीं किया गया, उसके द्वारा किताब पढ़ने का काम नहीं किया गया। मींस इन तीनों एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि एक तो ये देखो लास्ट में जो इनकी आइडेंटिटी है वो शो करने की पास डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है, और उनमें नहीं आता कि कुछ होकर है कि वो नेगेटिव है। पास डेफिनेट का किस प्रकार का सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस में भी अपन सबसे पहले किस का यूज करते हैं, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के ठीक बाद में डिड नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखो इसमें सब्जेक्ट दूध पीने का काम किसने नहीं किया, बच्चों ने नहीं किया, तो बच्चे बहुत सारे उधर है तो लिखेंगे चिल्ड्रन। फिर किसका यूज करना है, डिड नॉट का, तो हमें यहां लिखा डिड नॉट। अब देखो वर्ब, वर्ब क्या है, पीना, और पीने को क्या कहते हैं, ड्रिंक। पीने को क्या कहते हैं, ड्रिंक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक होती है, तो हम यहां ऐड करेंगे कि चिल्ड्रन डिड नॉट ड्रिंक, चिल्ड्रन डिड नॉट ड्रिंक, बच्चों ने नहीं पिया, क्या नहीं पिया, दूध नहीं पिया, तो दूध को अपन क्या कहेंगे, मिल्क। तो यहां आपका
या नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन रहेगा चिल्ड्रन विल नॉट ड्रिंक मिल्क। ऐसे सेकंड देखो, पेड़ों को पानी देने का काम किसने नहीं किया? माली ने। माली को बोलते हैं गार्डनर, द गार्डनर। माली ने क्या नहीं किया? वर्क क्या नहीं किया? पानी नहीं किया। तो पेड़ों को पानी देने का जो तो काम होता है उसको क्या बोलते हैं? वाटर। अपने यहां यूज करेंगे डिड नॉट वाटर। किसको नहीं दिया? प्लांट को। यस, पेड़ दिया हुआ है, ट्री कर देते हैं। इधर गार्ड है, डिड नॉट वाटर टू ट्री। ये गार्डनर ने जो भी ट्रीज है उनको पानी देने का काम नहीं किया। वह किताबें नहीं पढ़ता था। तो ये हो जाएगा किताब पढ़ने का काम नहीं करा वह। और कौन है वो? बॉय। क्योंकि लास्ट में क्या है वो? ताता। यदि तिथि होता तो ग्रह हो जाता। यहाँ ताता दिया हुआ है इसलिए ये बॉय है। और बॉय के लिए इसके यूज करेंगे ही का। ही डिड नॉट क्या काम नहीं करता था? पढ़ता नहीं था। तो रीड और क्या नहीं पढ़ता था? किताबें। यहाँ रहेगा ओके। इस प्रकार से इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम जो इस सेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, जबकि नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर दोनों में सेम है। सबसे पहले स्टार्ट में सब्जेक्ट आना है और यहाँ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में अदर जो भी चीजें हैं वो अफर्मेटिव की तरह आएंगी। अब अपना इसका जो थर्ड पार्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो कि क्वेश्चन आस्क करने के लिए किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज नहीं करना है, लेकिन जैसा हमने प्रीवियस क्लासेस में टेंसेस पढ़े थे उसमें अपन ने सीखा कि जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस अपन स्टेंस का कोडिंग बना रहे हैं उन शब्द में जो भी एडजेक्टिव होती है वो कहां जाती है? स्टार्टिंग में। अपने स्टेंस में अपन ने क्या एडजेक्टिव यूज की? अभी नेगेटिव में अपने यूज की डिड नॉट, डिड किया ना, तो इसमें डिड जो एडजेक्टिव पर वो कहां जाएगी? स्टार्टिंग में आ जाती है। तो डिड एडजेक्टिव इज यूज्ड एट स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। कि जो भी अपन इस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं उसमें जो डिड एडजेक्टिव वर्ब है उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया जाएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में डिड लिखा जाएगा और क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है इसके एंडिंग में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो भी लास्ट में हम सिंबल यूज करते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में देखो सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं? डिड। बाकी सेम अफर्मेटिव की तरह है सब्जेक्ट। अब डिड जब यूज किया जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। अभी बताया था आपको कि जहां डिड का यूज कर देंगे अपन पास्ट इंटरोगेटिव टेंस में वहां वर्ब क्या आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। यदि डिड का यूज नहीं करते किसमें नहीं करते? अफर्मेटिव में नहीं करते। डिड का यूज किसमें नहीं करते? अफर्मेटिव में। तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में किसका यूज कर रहे हैं? डिड का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर वर्ब क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आपका ऑब्जेक्ट और जो भी आपका थिंग्स है वो राइट कर लेंगे और लास्ट में आपका जो भी क्वेश्चन मार्क है वो अपने को पुट करना है। ठीक है।
राम ने क्या मोहन जयपुर गया? क्या सुधा सो गई? ये थ्री सेंटेंसेस अपन एग्जांपल के तौर पर लेके देखते हैं जिनमें स्टार्टिंग में क्या वर्ड टाइप किया गया है और लास्ट में शुत्र मार्ग का यूज किया गया है, जो हमें इंडिकेट करता है कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर अब अपन आइडेंटिफाई की बात करते हैं, तो इसमें लास्ट में या, इसमें भी या, इसमें ई, और ये जो वर्ड्स हैं जिनके एंड में प्रकार के लेटर्स आ रहे हैं वो किस चीज को शो कर रहे हैं कि यह पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब जब अपन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो अपनी जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें किसका यूज करना है? डिड का। तो यहाँ यूज करेंगे डिड। फिर हमें यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? खाना खाना काम कौन कर रहा है? काम। तो अपना यहाँ सब्जेक्ट हो गया। काम क्या कर रहा है वो? खाया। खाने को बोलते हैं ईट। तो अपन इसके पास को यूज कर लेते हैं ईट। क्या खाना? ट्रांसलेट करके आपको चेक करना है कि अपन इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग